नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। मुकेश अंबानी एक इंडियन बिजनेसमैन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, संपत्ति $117.8 बिलियन, भारतीय करेंसी के हिसाब से 9.8 लाख करोड़ रुपए, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 9वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। ये तो है मुकेश अंबानी की पहचान। लेकिन अब सोचिए कि जब मालिक अरबों खरबों का है तो उसके नौकर तो कम से कम लखपति होंगे ही। जी सही पकड़े हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी के घर में लगभग 600-700 से ज्यादा नौकर काम करते हैं और ये सारे नौकर 1.5 से 2 लाख से ऊपर की सैलरी पाते हैं। ये सैलरी भारत के किसी भी IAS PCS से ज्यादा है। मुकेश अंबानी का आलिशान घर जितना बड़ा है उसको संभालना उतना ही मुश्किल है और यही वजह है कि यहाँ सैकड़ों नौकर दिन रात काम करते हैं और यहाँ नौकरी पाने के लिए लोगों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब जाकर अंबानी के एंटीलिया में नौकरी मिलती है। 27 मंजिला एंटीलिया में बतौर स्टाफ भर्ती होने के लिए कई स्तर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही कोई अंबानी परिवार के एंटीलिया का स्टाफ बन सकता है और इसीलिए मुकेश अंबानी के घर के नौकर आम नौकरों की तरह नहीं है। ये सभी लोग फुल्ली ट्रेन्ड होते हैं। इन सभी लोगों को वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जो एक कंपनी वर्कर को मिलती है। एक एम्प्लॉय की तरह अंबानी के सभी नौकरों को मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है। सिर्फ यही नहीं, मुकेश अंबानी के घर में काम करने वाला स्टाफ काफी पढ़ा लिखा होता है और सिर्फ प्रतिष्ठित कंपनी से ही इन्हें भर्तियां की जाती हैं। साथ ही अगर किसी को एंटीलिया में नौकरी करनी है तो उसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री होना जरूरी है। यही नहीं, हर स्टाफ को एंटीलिया में घुसने के लिए एक रिटन एग्जाम भी पास करना पड़ता है। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने वालों को भी अंबानी के घर में रखने से पहले उनकी अच्छी खासी जांच पड़ताल की जाती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी के घर में झाड़ू पोछे का काम करने वालों की भी मासिक आय 2 लाख रुपए है। इस सैलरी में मेडिकल अलावेंस और एजुकेशनल अलावेंस भी शामिल है, यानी कि हर नौकर का पैकेज है 24 लाख पर एनम और ऐसे 600 नौकर हैं जिनको हर साल करीब 24 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। साथ ही यहाँ काम करने वाले मेट्स को एंटीलिया में रहने के लिए प्राइवेट रूम भी दिए जाते हैं। वहीं उनके बावर्ची की बात की जाए तो मुकेश अंबानी के बावर्ची की कमाई विधायकों से भी ज्यादा है। आप मुकेश अंबानी के बावर्ची की सैलरी जानकर दंग रह जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी के शेफ की सैलरी 2 लाख पर मंथ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी के ज्यादातर स्टाफ का वेतन एक समान ही है। वहीं अंबानी के कुछ स्टाफ के बच्चे विदेशों में पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्टाफ में शामिल ऐसे लोग जिनके बच्चे पढ़ने में काफी अच्छे हैं, उनकी मदद अंबानी भी करते हैं। अंबानी के 27 मंजिला घर की सुरक्षा में हर महीने करीब 15 लाख खर्च होते हैं। इस घर को Z प्लस सिक्योरिटी दी गई है जिसके लिए CRPF की मदद ली जाती है। अंबानी के घर यानी एंटीलिया की बात करें तो ये काफी बड़ा घर है जिसमें 150 से ज्यादा कारें खड़ी करने के लिए 7 मंजिला गैरेज बनाया गया है। इसके अलावा इसमें हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए 3 हेलीपैड, स्विमिंग पूल, गार्डन, मंदिर, 2 मंजिला हेल्थ सेंटर और होम थिएटर भी उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक पूरा शहर है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इन सब चीजों की देखरेख और साफ सफाई के लिए अगर 600-700 लोग एंटीलिया में रिक्रूट किए गए हैं तो ज्यादा नहीं है। तो ये थी पूरे मुकेश अंबानी के घर की जानकारी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।